please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के डोडा में यात्रियों से भरी एक बस अचानक सड़क के किनारे पलट गई, जिससे बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटने का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि बस अचानक सड़क से नीचे गिर गई और पूरी तरह पलट गई, जिसकी चपेट में सड़क किनारे चल रही दो छात्राएं भी आ गई, जिसके बाद आसपास के लोग भागकर बस के पास पहुंचने लगे और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ ही राहत और बचाव की टीम भी पहुंच गई और बस में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। बचाव टीम को बस के अंदर दो लोग फंसे हुए दिखे, जो बुरी तरह रो रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। जिसके बाद टोपी लगाए एक आदमी ने उन्हें पानी पिलाया। तकरीबन एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन बस में फंसा एक आदमी गंभीर रूप से घायल था, जिसे निकालने के लिए एक शख्स को अंदर जाना पड़ा। पुलिस का दावा है कि बस में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जिस वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और बस पलट गई, जिसके बाद हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की ज्यादा तादाद होने की वजह से अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। दो बच्चे जो स्कूल के बच्चे जा रहे थे, पहले उनके साथ टकरा के फिर नीचे चले गए, जिसमें दोनों बच्चे हैं वो भी जख्मी हैं और उसके अलावा 30 जो हैं वो इंजर्ड हैं। बस में सवार यात्रियों का आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे की हालत में बस चला रहा था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। ओवरलोड था बड़ा, जिसके कारण गाड़ी नीचे चली गई और ड्राइवर और कंडक्टर जो थे दोनों जो थे वो शराब पी के थे। हादसे के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। इस हादसे में बस में सवार सभी यात्री घायल हो गए, जिनमें 8 की हालत गंभीर बताई गई। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दिए गए भाषण के बाद जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी लगातार जारी है, वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रणब मुखर्जी की तारीफ की और उनके भाषण को ऐतिहासिक बताया है। दो तस्वीरें, जब कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में नागपुर में शामिल हुए और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हुई, लेकिन ऐसे में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने की तारीफ की। भारत में ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे से निकाले जाने वाले पानी से जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वाटर एड नाम की एक संस्था ने दुनिया भर में ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दावा किया गया है कि दुनिया भर में जितना ग्राउंड वाटर निकाला जाता है उसका एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत में निकाला जाता है। चीन और अमेरिका दोनों बड़े देशों में ग्राउंड वाटर निकाले जाने का कुल आंकड़ा भी भारत में निकाले जाने वाले ग्राउंड वाटर से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 16 करोड़ 30 लाख लोगों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। भारत की 15% ग्रामीण आबादी को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं, तो शहरों में रहने वाली भी 7% आबादी ऐसी है जिसके पास पीने का साफ पानी नहीं है। देश में पानी की बढ़ती किल्लत और लगातार नीचे गिरते ग्राउंड वाटर के स्तर की वजह से अटल भूजल योजना पर काम तेज किया गया है। बुधवार को वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार की 6000 करोड़ रुपए की अटल भूजल योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और योजना के तहत उत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में ग्राउंड वाटर का स्तर बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जैश मोहम्मद के आतंकियों का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें जैश के आतंकियों को देखा जा सकता है। ये आतंकियों का समूह जंगल में सोता हुआ दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के जंगलों का है और हाल ही में ये आतंकी घुसपैठ करके कश्मीर में दाखिल हुए हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। रिफत, क्या बताया जा रहा है इस वीडियो के बारे में? कहां से आए ये आतंकी, कितनी बड़ी तादाद और किस मंसूबे से? देखिए, ये एक लेटेस्ट वीडियो समझा जा रहा है जो सरफेस हुआ है कश्मीर घाटी में, और इसमें साफ दिख रहा है कि 25 से ज्यादा, जैसा गिना जा सकता है इस वीडियो की पूरी ड्यूरेशन में गिना जा सकता है, 25 से ज्यादा मिलिटेंट इस ग्रुप में है। हाल ही में एक इंटेलिजेंस इनपुट्स भी आए थे, ये कहा गया था कि 25 से ज्यादा मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो पीर की गली के रास्ते से छुपाया पहुंचा है। ऐसा लगता है कि शायद ये वही ग्रुप है और जब वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे तो कहीं जंगलों में उन्होंने ये शूट किया है, क्योंकि हैविली आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं और उन्होंने साथ में अपने बैग्स भी, क्योंकि जब वो उस पार से आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके तो उनके पास बड़े बड़े बैग्स होते हैं जिसमें खाने पीने की चीजें होती हैं, कपड़े होते हैं, और जब वो कहीं पे यहाँ कंसोलिडेट करते हैं तो फिर ऐसी चीजें जो है वो हाइड आउट पे रखी जाती हैं और
खाली उनके पास गन रहता है या कुछ मैगजीन रहते हैं या ग्रेनेड्स रहते हैं। तो ये समझा जा रहा है कि ये जो है कहीं फॉरेस्ट में है। कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शायद ये अलबदर के भी इसमें कुछ मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन आम राय यही है कि ये जैश का ग्रुप है और बड़ा ग्रुप। ऐसा वीडियो पहली बार इस तरीके से सामने आया है कि जंगलों में आराम कर रहे हैं और इन्होंने अपना वीडियो बनाया। शुक्रिया रिफत। भारतीय सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई डीएसी यानी डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए 12 हाई पावर रडार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इन रडार के इस्तेमाल से वायुसेना की मारक और बचाव क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इन रडार की खरीद बाय इंडियन योजना के तहत घरेलू कंपनियों से होगी और इनका डिजाइन और उत्पादन देश में ही किया जाएगा। साथ ही कोस्ट गार्ड और सेना के लिए कम पानी और दलदल में चलने वाली विशेष नौकाओं को खरीदने पर मोहर लगा दी गई। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान से मुलाकात की है। नितिन गडकरी बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे और गडकरी ने सलीम खान को केंद्र सरकार के 4 साल में किए गए कामों का लेखा जोखा दिया और एक किताब सौंपी। गुजरात के सूरत में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे बने एक पार्क में घुस गई। इस बेकाबू कार ने बाइक पर जा रहे एक दंपति को भी रौंद दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरे किनारे बने पार्क की ओर बढ़ती चली गई। इस दौरान कार के बीच में जो भी आया वो उसे रौंदती चली गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी टक्कर से पार्क में लगी लोहे की रेलिंग भी टूट गई और कार पार्क में जा घुसी। इस हादसे में कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। गुरुग्राम में एक विदेशी महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। हरियाणा के गुरुग्राम में लिफ्ट देने के बहाने एक विदेशी महिला को अगवा कर गैंगरेप करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने विपक्षी दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। मुस्लिम परस्त राहुल जी के नेतृत्व में और मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में एक स्टेज पर होंगे और राष्ट्रपति सब एक स्टेज पर होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी विकास यात्रा के समय 9 जिलों में 600 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। त्रिपुरा दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनानास को राजकीय फल घोषित कर दिया। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल के घर में घुसे आतंकियों ने सुरक्षा में तैनात जवानों के हथियार छीनने में नाकाम होने पर तोड़फोड़ की। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा बल के लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रक्षा सामान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यूपी के प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर सेल्समैन से 20,000 रुपए लूट लिए। दिल्ली पुलिस ने एक आईपीएस अधिकारी समेत सिपाही को कुचलने की कोशिश करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मथुरा में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर एक किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की चीन यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री चीन में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक 10 जून को होगी, जिसमें भारत समेत मध्य एशिया के कई देश हिस्सा लेंगे। बैठक में आपसी संबंधों के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इससे पहले 9 जून को भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत होगी। The bilateral meeting with the Chinese President Xi Jinping that will happen on the first day, which is the 9th. There are other meetings being organized. 9 और 10 जून को SCO की समिट यहाँ चिंताओ में होने जा रही है। ये पहली समिट होगी जब इंडिया इसमें पूरे मेंबरशिप लेकर SCO में शामिल हो रहा है। पिछले साल जब अस्ताना में मीटिंग हुई थी तब हमें शामिल इस SCO में शामिल किया गया था, लेकिन ये पहली बार होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस समिट में पूरे मेंबरशिप लेके आएंगे, भारत के मेंबरशिप लेके। सबसे पहला जो मकसद है इसका वो है डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और इसमें काउंटर टेररिज्म बड़ा महत्व रखता है। रेलवे ने भारत में गर्डर पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार किया है। रेलवे को ये कामयाबी उत्तर पूर्व के राज्यों को रेल से जोड़ने के मिशन के दौरान मिली है। इस मिशन के दौरान रेलवे के सामने मणिपुर में पहाड़ियों के बीच एक पुल बनाने की चुनौती थी। रेलवे ने गर्डर पर एक मजबूत पुल खड़ा किया जिसकी ऊंचाई 141 मीटर है। ये ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से करीब दोगुनी है। दिल्ली का कुतुब मीनार केवल 73 मीटर ऊंचा है।
और इससे पहले इस तरह का दुनिया का सबसे ऊंचा पुल यूरोप में है, जिसकी ऊंचाई 139 मीटर है। ये पुल इम्फाल और जिरीबाम को जोड़ने वाली 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का हिस्सा है। पुल की खासियत यह है कि इस पर ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है, और रेलवे का दावा है कि मजबूती के मामले में भी पुल पीछे नहीं है। पुल से एक मालगाड़ी 25 टन वजन लेकर जा सकती है। जिस हिस्से में यह पुल बनाया गया है उसे सीज़मिक जोन 5 में रखा गया है, यानी यहाँ भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन रेलवे के इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि यह पुल किसी भी भूकंप का सामना कर सकता है। इस पुल को 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कुछ लोग सरयू नदी में कागज का एक टुकड़ा बहाने लगे। ये लोग विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए फैजाबाद के कमिश्नर को एक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन जब कमिश्नर ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया तो इन्होंने कागज पर छपी अपनी मांगों को सरयू में बहा दिया। इसके बाद इन लोगों ने राम मंदिर के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। इन लोगों ने मंदिर न बनाने पर सरकार को चेतावनी दी। माता सरयू भारत के राजनीतिज्ञों को सद्बुद्धि दें, जिन्होंने राम के नाम पर वोट मांगा और पिछले 40 वर्षों से ठगी कर रहे हैं। लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर की पुजारी ने ज्ञापन को सरकार को भेजने की सलाह दी। सीधे इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजना चाहिए था कि वो उनको मालूम तो पड़े कि हाँ इस प्रकार के वहाँ के धर्म सेना ने मांग किया है। सरयू में ज्ञापन बहाने वाली धर्म सेना ने सरकार पर मंदिर निर्माण का मुद्दा जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कुपवाड़ा पहुंचे, जहां पर राजनाथ सिंह ने गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और प्रदेश सरकार में मंत्री सज्जाद गनी लोन भी नजर आए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुपवाड़ा में जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे थे। एरिया में जो 0 से लेकर 10 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं, वहां पर हम 2 बॉर्डर बटालियन का भी गठन करेंगे, और यह भी फैसला हुआ है कि 5 आईआर बटालियन, इंडिया रिजर्व बटालियन जो है, उसमें मतलब मोर देन 5000 लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें कि 60% रिजर्वेशन 0 से 10 किलोमीटर एरिया में बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए होगा। 2 यहाँ पर महिला बटालियन भी गठित करने का ये फैसला हम लोगों ने किया। रमजान के बाद सीज फायर जारी रह सकता है। अब देखिए, अब कुछ दिनों के बाद हम लोग बैठेंगे और पूरे सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और यहाँ के भी कुछ नुमाइंदों से बात करेंगे, जैसा होगा वो फैसला करेंगे।